नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वर्मा। आज मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस से 5 सवाल करना चाहता हूँ कि जब विकास दुबे को उज्जैन से उनको गिरफ्तार किया गया तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने उज्जैन की पुलिस से ट्रांसिट रिमांड क्यों नहीं लिया? पहला क्वेश्चन मेरा यह है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर उज्जैन में विकास दुबे ने अपने आप को सरेंडर किया था तो वो कानपुर पहुंचते पहुंचते भागने की कोशिश कैसे किया? तीसरा मेरा सवाल है, क्या विकास को हथकड़ी लगाई गई थी? अगर हथकड़ी लगाई गई थी फिर भी वो भाग निकला और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ टीम के पिस्टॉल भी लेके भाग गया और काफ़ी दूर तक भाग गया, लगभग 100 मीटर तक दूरी तक भाग गया, जो कि उसके पैर में एक पैर में रॉड है, फिर भी वो भाग गया। अगर हथकड़ी लगाई गई थी तो ठीक है, नहीं लगाई गई थी तो क्यों नहीं लगाई गई थी? क्योंकि वो आतंकवादी लेवल का मुजरिम था, आपने उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाया? चौथा क्वेश्चन मेरा यह है, एसटीएफ ने अपने ही हथियार सुरक्षित क्यों नहीं रखा? जब आप जान रहे हो कि इतने बड़े मुजरिम को आप लेके जा रहे हो तो आप अपने हथियार की जिम्मेदारी या सुरक्षा खुद से करना चाहिए। पांचवा और आखिरी सवाल है, अगर विकास दुबे को टाटा सफारी गाड़ी में लाई जा रही थी तो उसका गाड़ी चेंज कैसे हुआ? वो अचानक TUV 300 में कैसे आया? इन 5 सवालों के जवाब हमको उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश सरकार से मिलने की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।